आपका पाठ 24 है हिंदी व्याकरण से, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। ठीक है बच्चों, अनसीन प्रोज एंड पोएट्री। अपठित गद्यांश से अभिप्राय ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने निर्धारित पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक इस समय कौन सी है बच्चों, आकांक्षा, जिसमें वो पाठ न हो। ठीक है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी न केवल पठित सामग्री के विषय में ही ज्ञान और बोध प्राप्त न करें, बल्कि सीखी हुई समझ का अन्य स्वतंत्र संदर्भों में अनुप्रयोग भी करें। साथ ही अपठित सामग्री को पढ़कर तत्संबंधी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। प्रायः परीक्षा में अपठित गद्यांश देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का मतलब है जो पहले नहीं पढ़ा हो। ठीक है बच्चों, वो आपके पाठ्यक्रम से बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक, और उसमें इसे अपठित गद्यांश दिए क्यों जाते हैं, ताकि आप अपनी समझदारी से उन प्रश्नों को मतलब हल कर सके, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक में आपके प्रश्न उत्तर होते हैं वो तो स्कूल टीचर के द्वारा बच्चों आपको करवा दिए जाते हैं, लेकिन ये अपठित गद्यांश जो होता है उसमें आपके स्वयं की बुद्धि और स्वयं के विवेक का परीक्षण होता है। तो आइए जानिए उसके बारे में, उनमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। उन प्रश्नों को उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर वन, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अलग से वो उत्तर नहीं मिलेंगे, आपको उसी में से उत्तर ढूंढना होगा। ठीक है, उत्तरों की खोज के लिए गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर समझ लेना चाहिए। एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों उसके उत्तर, आप जब उसे बार बार देखेंगे तो ही आपको वो समझ में आएगा। ओके बच्चों, इससे सटीक उत्तर देने में सहायता मिलती है। गद्यांश के मुख्य विचार अंकों बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, यानी कि पढ़ते समय आपको जो इम्पोर्टेंस लगे उसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए उन बिंदुओं को अपने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी उसका जो मूल भाव है उसको तो आप रखोगे ही बच्चों, और उसके बाद आपको अपने उत्तरों को भी उसमें सम्मिलित करना होता है। ओके, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए, अतिरिक्त जानकारी के आधार पर न उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक, यानी कि प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं बच्चों वो गद्यांश के ही आधार पर आपको देने हैं, आप अलग से उसमें कोई भी जानकारी ना दें। ओके, उत्तरों की भाषा सरल सुबोध और अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, यानी कि जो उत्तर आप दे रहे हैं उसमें आपके सरल भाषा हो, सुबोध हो, आपका ज्ञान हो, और आप उसे अभिव्यक्त करें यानी कि प्रस्तुत करें। ठीक है, उत्तर जहाँ तक हो सके संक्षिप्त हो, यानी कि आपको उत्तर तो देना है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसेज ही उतार दें बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है, संक्षिप्त में यानी कि छोटे में आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो आइए बच्चों, अपठित गद्यांश एक, मानव और प्रकृति का संबंध अन्योन्याश्रित है। मानव ने आदिकाल से ही जंगलों में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को अपना बसेरा बनाया था। वृक्षों के साथ उनका नाता उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं उसका अस्तित्व। तभी से मनुष्य ने जाना था कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे वृक्षों को अपनाना होगा। वृक्ष न केवल हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं, बल्कि जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक सामग्रियां यथा कागज, पेंसिल, रबड़, गोंद, कोयला आदि भी देते हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त वायु को आत्मसात कर हमें प्राण वाहिनी ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों, ये जो पेड़ होते हैं वो हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सांस के द्वारा निकालते हैं बच्चों, उसे भी ये पेड़ ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। यही कारण है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी वृक्षों को पूज्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था और इसी कारण वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। आधुनिक जिंदगी में कई बार हम वृक्षों को महत्व देना भूल जाते हैं और औद्योगिकरण की आड़ में भी बड़ी मात्रा में वृक्ष को नष्ट कर देते हैं। औद्योगिकरण क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम जो उद्योग धंधे करते हैं
उसके चलते हम क्या करते हैं, बाग बगीचों को उजाड़ देते हैं। बच्चों ये नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ को भी सुरक्षित रखना चाहिए, वरना पेड़ नहीं हुए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके बच्चों, परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से हमें चेतावनी मिल गई है कि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें वृक्षों को बचाना होगा। देखिए बच्चों, आए दिन कितने सारे परिणाम हम देख रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए हमें पेड़ों को बचाना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए इसके प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर का, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो बच्चों आपको पता चल गया ना, इसमें वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। वृक्ष हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि और ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्ष कौन सी विषाक्त वायु आत्मसात करते हैं? आपको पता चल गया ना यहाँ पे कौन सी वायु है जिसे वो विषाक्त वायु को आत्मसात, मतलब अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो आगे क्वेश्चन है बच्चों आपका, गद्यांश में आए दो वेदों के नाम बताइए। आपने अभी पढ़ा ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से कैसे जुड़ गए हैं? तो आपको पता है कैसे जुड़ गए हैं, ऋग्वेद और अथर्व जैसे ग्रंथों से वृक्षों को पूज्य बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी वृक्षों के महत्व को समझा था, इसी कारण वृक्ष हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ गए। ठीक है बच्चों, अब है आगे विलोम शब्द लिखिए। आवश्यक, जीवन, सुरक्षित, छाया। आवश्यक का अनावश्यक, विलोम शब्द तो आप जानते ही हैं, जीवन का मृत्यु, सुरक्षित का असुरक्षित, छाया का धूप। ठीक है बच्चों, गद्य तो आगे है बच्चों आपका च, गद्यांश में से चार संयुक्त अक्षर ढूंढकर लिखिए। ठीक है बच्चों, आपको ये संयुक्त अक्षर जो हैं वो ढूंढ के आपको लिखने होंगे। ओके, तो इसमें है अस्तित्व, आत्मसात, संस्कृति, विषाक्त। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके यहाँ पे आंसर हो गए। लेकिन जब भी आपके जब पेपर आते हैं बच्चों, तो उसमें अपठित गद्यांश आता है, वो आपकी बुक से नहीं होता, वो कहीं से भी दिया जाता है और आपको उसे करना होता है अपनी बुद्धि, अपने विवेक से। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आइए देखिए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, अधिकारियों को लिखे गए पत्र। ठीक है बच्चों, ये हमारे कौन से पत्र होते हैं, ये हमारे होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, और नंबर टू होता है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आगे बच्चों आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बारे में, इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आते हैं आपके व्यक्तिगत यानी आपके पर्सनल लेटर जो होते हैं वो आते हैं, और आपके परिवार से संबंधित जितने लोगों को आप पत्र लिखते हैं वो आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, मित्र, सहेली तथा रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, पत्रों के उदाहरण, औपचारिक पत्रों के उदाहरण, आपको औपचारिक पत्र लिखवाए जाते हैं बच्चों, ये रहे आपके। नंबर वन, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। बच्चों आपको जब छुट्टी लेनी होती है तो आप प्रिंसिपल मैम को फ़ोन अपना पत्र लिख के देते हैं ना, वही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है, उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप दिनांक डालेंगे और यहाँ पे आप सन डालेंगे, फिर उसके बाद आपको डालना होगा विषय, एक सप्ताह की छुट्टी हेतु। उसके बाद आप लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ शंकुभरी देवी के दर्शनार्थ सहारनपुर जाना चाहता हूँ। मुझे परिवार के साथ इस तीर्थ यात्रा के लिए 11 सितंबर को घर से चलना है, इसलिए मैं 11 सितंबर से 17 सितंबर, अब यहाँ पे आप डाल देंगे बच्चों कोई भी 2021 डाल दीजिए, और यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः कृपया मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें।
मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, लड़कियाँ हैं तो आप शिष्या लिखेंगी, उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा 8 ए अनुक्रमांक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके ये औपचारिक पत्र होए। अब उसके बाद दूसरा देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको भी देखिए ऊपर की चीज़ें आपकी सेम होती हैं। श्रीयुत प्रधानाचार्य महोदया जी, आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ पे दिनांक डालेंगे, यहाँ पे विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। विषय का मतलब होता है आपने किस लिए इस पत्र को लिखा है। इसी प्रकार आप आगे देखिए, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं ए का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी आयकर विभाग में अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण कोलकाता हो गया है, अतः मुझे आपका विद्यालय छोड़कर कोलकाता के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। कृपया चरित्र प्रमाण पत्र में विद्यालय में मेरी उपलब्धियों का उल्लेख अवश्य करें, जिससे कोलकाता के किसी विद्यालय में प्रवेश पाने में मुझे आसानी हो। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। यहाँ पे नाम डालेंगे आप, उसके बाद आपकी कक्षा, उसके बाद अनुक्रमांक। इस प्रकार बच्चों ये आपका पत्र समाप्त हुआ। इसी प्रकार आपको भी अपनी कॉपी में लिखना होगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।